मणिपुर हाल ठीक नहीं है। मैंने इसलिए पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन मांगा था। मोदी ने कहा है कि भारत माता की हत्या हुई है मणिपुर में। देखिए, अगर राहुल गांधी का नजरिया से देखेंगे तो सही है, कुछ लोग ये मानते नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मणिपुर में भारत माता के नहीं, भारत माता की इज्जत मुझे मिल गया है, वो सारा देश मेरी सारा मिल गया है। हम एक ऐसा एमपी है जो पहले बार एमपी से इलेक्शन लड़ा है और निर्दलीय बनकर हमने जीत के आया। एक बार नहीं दो बार, वहाँ ना एनडीए था ना इंडिया था, सबको हम हरा के आया है। तो अभी मेरा ही है आदिवासी भाइयों से, सामाजिक तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे, एक एजेंडा एक झंडा के तले एक फ्रंट के तले नहीं आएंगे, जब हम सत्ता में नहीं जाएंगे तो भी हमारा कुछ दशा दिशा बदलने वाला में नहीं है। तो हमारा तय है नवसरण हीरा भाई, एक के साथ कम से कम 50 एमपी लाएंगे, चाहे आदिवासी से हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े पर हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, तो जरूर हम न्यू दिल्ली हम बात रख सकते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर में दिखाए हुए रास्ते से हम जरूर हमारा अपना हक अधिकार ले पाएंगे। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। आदिवासी के लिए एक एजेंडा बनाना है, क्योंकि हम लोग आदिवासी इश्यूज पर बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। ये 70 आजादी का 75 साल भी बाद भी हम लड़ रहे हैं, तो हमारा कभी पास नहीं हुआ आजादी इतने समय के बाद हम एक एजेंडा लेके एक झंडा का नीचे तले हम ये हो, इसलिए हमारा प्रयास है पार्लियामेंट से लेके जनता मंडल तक, पूरा स्टेट का राजधानी से लेके हमारा गांव तक बस्तर तक, वही है हम एक एजेंडा हमको सेट करना है। ये एजेंडा क्या है? आदिवासी का जल जंगल खनिज शासन और उसके ऊपर हो गया जो जोर जलू मत्यासर, वो सब उसमें एजेंडा में। अगर मणिपुर में अभी मोदी जी जाए तो कैसा स्वागत होगा आपके नजर से? देखिए, मणिपुर के बाद हम सेकंड आएंगे, पहला आ गया है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान ये सब में। ये बार अभी ये है, यह इलेक्शन आने वाला है। देखिए, आदिवासी त्योहार मनाते हैं लेकिन इलेक्शन में सुख उठा है। हम एक ऐसा एमपी है जो पहले बार एमपी से इलेक्शन लड़ा है और निर्दलीय बनकर हमने जीत के आया। एक बार नहीं दो बार, वहाँ ना एनडीए था ना इंडिया था, सबको हम हरा के आया है। तो अभी मेरा ही है आदिवासी भाइयों से, सामाजिक तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे, एक एजेंडा एक झंडा के तले एक फ्रंट के तले नहीं आएंगे, जब हम सत्ता में नहीं जाएंगे तो भी हमारा कुछ दशा दिशा बदलने वाला में नहीं है। तो हमारा तय है नवसरण हीरा भाई, एक के साथ कम से कम 50 एमपी लाएंगे, चाहे आदिवासी से हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े पर हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, तो जरूर हम न्यू दिल्ली हम बात रख सकते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर में दिखाए हुए रास्ते से हम जरूर हमारा अपना हक अधिकार ले पाएंगे। सर, लगातार आप दो बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीते और तीसरा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार आपको समर्थन दोबारा से मिलेगा? और आप बात कर रहे हैं एसटी एससी ओबीसी और आदिवासी समाज को लाने की बात कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे हैं, कितनी कामयाबी मिलेगी? पहला ही मेरे बात हम श्योर है, वहाँ हम जरूर जीतेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे कोकाजा लोग का समाज है, बोलने का समाज है, क्योंकि जो आप मणिपुर का बात बोल रहे हैं सेम ही कंडीशन हमारे उधर में था। मणिपुर में अभी 3 महीना होने वाला है, हमारा हुआ 30 साल हुआ था, मैंने बोला ना इसी 30 साल में हमारा उधर का एमपी कुछ नहीं किया था, सिर्फ साथ चिल्लाता था। मैं जो पार्लियामेंट साथ घुमाया ना, जो साथ निकल के घुमाता था, बोलता था बोरोलैंड सही है। ऐसे ही मणिपुर में हो रहे हैं, आपस में हम कुकी मेहते भाई लड़ रहे हैं। मोदी जी का संसद में बोले तो स्थिति ठीक हो जाएगी। देखिए, आप मीडिया का भाई बंधु है, आपका हर खबर आता है। आप 2 दिन बाद हमको पूछेगा मणिपुर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैं उस दिन सुबह हम मोदी जी बोलने से पहले हम दो सर हमारा जो सिपाही भाई है उसको पूछा था, भाई कैसा है? वो बोला है दादा यह हालत इतना खराब है, यह हम लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये अपना भाई है। आपने सुना ना, हमारा फौजी तैयार नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि पहले उसको बोला था मणिपुर वाला नगा वाला उल्फा वाला उग्रपंथी है, टेररिस्ट है, उसको मारो, वो तो ठीक था, लेकिन अभी तो वो मेनस्ट्रीम में आ गया। राहुल गांधी कह रहे हैं मणिपुर की स्थिति ठीक नहीं है लेकिन मोदी जी हंस रहे हैं, क्या लगता है, कैसा लगता है? वही बात तो बीजेपी वाला ही बोल रहे हैं, अगर ये है तो साइंटिस्ट देने का क्यों जरूरत है? अब अगर इतना सीरियस है तो सारा मुद्दा सबूत नहीं मिला, रिकॉर्ड नहीं है, सारा मुद्दा वही पे आ गया है। देखिए, एक बात तो तय है, अब और हम कोई दूसरा नहीं है,
ग्राउंड का पता आपको पता है, मणिपुर हाल ठीक नहीं है। मैंने इसलिए पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को रिजिग्नेशन मांगा था। सर, अब आदिवासियों को लेकर के जो आप आदिवासी दिवस आज मना रहे हैं, क्या स्थिति है? क्योंकि सरकार लगातार आदिवासी उत्थान की बात करती है, जंगलों को आदिवासियों ने बचाए रखा, सरकार ने वहाँ पर भी बुलडोजर चलाए, जंगल उनकी सुरक्षित है, वन संपदा को बचाए रखा, कहीं खनिज है वहाँ पर, लेकिन कॉर्पोरेट जगह तो जगह दी जा रही है, सरकार बात जो अलग ही तरीके से नजर आ रहा है। अब आदिवासी और आप लोग इसे कैसे देखेंगे? देखिए, हमने बोला है जब तक सत्ता नहीं मिलेगा, जब संविधान हमें चलाने का हमारा हक नहीं मिला, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं था, हमारा पुलिस में कोई दिलचस्पी नहीं थे, मजबूर हमको पुलिस में आना पड़ा, क्योंकि मेरा उधर भी मणिपुर जैसे हालत था। तो हमारा उधर का लोगों ने सारा सिस्टम के ऊपर, सारे पार्टी के ऊपर भरोसा उठ गया, तो भी बोला दादा आपको लड़ना है। उसको पता था अगर पार्लियामेंट में मैं आ गया तो वो लड़ने वाला वहाँ चुप रहेगा, तो वही सकते। इसलिए हम बोला है, हमने इसलिए एक पार्टी आगे बढ़ाया है, उसका नाम है GSP, जन सुरक्षा पार्टी। आज का डेट में ईज एंड एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी हमारे लोगों को चाहिए, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग हो। आप देखिए मुद्दा कहाँ पे आया, मणिपुर से बंगाल तक, बंगाल से राजस्थान तक, राजस्थान से हरियाणा तक, सब में आ गया है। तो अभी हमारे साथ और हम लोगों के साथ खड़ा होंगे तो भी मणिपुर जैसा माहौल बनने में सबको हम रुक पाएंगे। आप देखिए, यहाँ सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ यहाँ आदिवासी एकता परिषद का भी है, वहाँ राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यहाँ गुजरात से लड़की लोग पैदल चल के आए हुए हैं, लगभग 400 किलोमीटर चल के मणिपुर के इसी के लिए। तो हम मणिपुर में वही बनना है जो मणिपुर का भाई बहन। सर, कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, लेकिन डबल इंजन के सरकार में आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, ये कैसी बात है? क्या आपको लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आए दिन अत्याचार हो रहा है? ये सब दिखावा है। अगर दिखावा नहीं, आदिवासी के मुंह पे पेशाब नहीं करता, अगर दिखावा नहीं तो आदिवासी काटी बिल को मारता नहीं, आदिवासी लड़की को जला के रात में बदलता नहीं। तो इसलिए ये जो लोग बोले, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, सर, जो पार्टी वो लोग सिर्फ बोलने के लिए है, करने के लिए नहीं। तो हमारा आदिवासी भाई को यही अपील है, अगर आप एक एजेंडा में आएंगे, एक जानने में आएंगे, कम से कम 100 MP आप जीता सकते हैं। अगर हीरा भाई के साथ एक के साथ अगर 20 भी हो गया तो हम पार्लियामेंट से, हो सकता है मोदी को भी कुर्सी हिलाएंगे, मामा को हिलाएंगे, बगल को हिलाएंगे, तो वही हमारा पॉलिसी है। पार्टी का विस्तार कहाँ तक करेंगे आप? क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी का विस्तार होगा? कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से एकदम गुजरात से लेके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना, यह हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सारा आदिवासी इकट्ठा होके बाकी दूसरा पार्टी के साथ थर्ड फंड बना के हम लड़ने जा रहे हैं। अगर एनडीए या एनडीए को समर्थन की जरूरत होगी तो आप किस पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए, यह समर्थन का बात ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो मुद्दा का अगर सही तरह से आप दिशा दशा तय करने के लिए आपको जो सुविधा होता है, हम उसी को निभाएंगे। राष्ट्रपति अवस्था में सही में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन पावर एंड फंक्शन में सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट। तो इसलिए राष्ट्रपति जी को पता है ऐसे बोलने से माहौल बिगड़ने क्या फायदा है। अगर वो उसका करने में आता है जरूर करता है। हमको लगता है द्रौपदी मुर्मू जी वेरी सेंसिटिव, हमारा जो मणिपुर का राज्यपाल वो भी बहुत सेंसिटिव है, वो लेडीज है, उसको पता है, लेकिन उन लोग का करने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुने हुए सरकार है। अगर यह राष्ट्रपति शासन होता तो जरूर द्रौपदी मुर्मू समाज संभालता। अभी तो लगता ही गांधी ने कहा है कि भारत माता की हत्या हुई है मणिपुर में। देखिए, अगर राहुल गांधी का नजरिया से देखेंगे तो सही है, कुछ लोग ये मानते नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मणिपुर में भारत माता के नहीं, भारत माता के इज्जत मुझे मिल गया है, वो सारा देश में नहीं, सारा विदेश में। अधीर रंजन की सस्पेंड को कैसे मानते हैं? पहले अधीर रंजन, फिर राघव, जो संजय सिंह। देखिए, संसद में कुछ चीज होता है, हमको भी इतना, क्योंकि देखिए हम भी 10 साल होने वाला है, हमको कोई ऐसा नबूत नहीं है जो हमको ये हुआ। मणिपुर के दो संसद को बोलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष का आरोप है। कुछ दिन पहले तो मणिपुर में किसी को जाने को भी नहीं था, जब हम लोग बोलने शुरू किया मणिपुर में सबको जाने के, तभी जाने को दिया। देखिए, अगर संसद को बोलने नहीं देता तो आए ना यहाँ तो बोल सकते हैं। हम तो नबो का MP है, MP ने ये प्रोग्राम मनाया है, यहाँ के बोल सकते हैं। मैंने उनको भी बोला है जो भाई अपना जिम्मेदारी से आप भागना नहीं, आप अपना जिम्मेदारी से भागना नहीं, आपको लोगों के सामने जाना है, चाहे जो भी तकलीफ हो, जो भी हो, क्योंकि अगर नवकुमार सोरेन ने कोकराझार का स्थिति में
हम साथ नहीं रहेंगे। और एक बार हम बोलते हैं आपको लास्ट में हमारा क्षेत्र का, अभी हमारा क्षेत्र में मैंने यहाँ पहले से बोला है हमारा कुछ आदिवासी नॉन आदिवासी का इश्यू है, क्योंकि आदिवासी का 50% जमीन में कुछ नॉन आदिवासी लोग बसा हुआ है। लेकिन गलती आदिवासी का नहीं है, गलती नॉन आदिवासी का नहीं है। अगर सही पे 50/60 बनाया है, गवर्नमेंट का जमीन यदि बनता है उसको संभालने का, तो अभी उन लोग क्या करते हैं, नोटिस थमा देता है। अभी हम ये मध्य प्रदेश में हरदा में नगर निगम के जब आया तो उन्होंने जो पंचायत ने दिया उसको कैंसिल कर दिया। तो अभी धरना में बैठा है सारा हमारा जीएसपी टीम। हमारा उधर भी कुछ लोगों को खड़े, आपको पता है गुरुगति हो जो भी हो ऐसा कांड किया है सब में। तो हमारा क्षेत्र में भी कोशिश कर रहे हैं जे आदिवासी का जमीन दखल बेदखल किया ऐसा बोल के कुछ नॉन आदिवासी लोगों को उस लोग खड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं लगाने की, मेरे आपसे अपील है सब समाज से, चाहे आदिवासी गवर्नमेंट का जो काम उसका करना है, लेकिन उसके लिए आदिवासी नॉन आदिवासी को साथ मत लाइए, हिंदू मुस्लिम मत लाइए। कानून चलाने का जिम्मेदारी आप लोग का है। आप अगर सही पे कदम नहीं उठाएंगे तो ये माहौल बनेंगे। तो मेरा यही अपील है, लड़ाई झगड़ा खत्म होना है, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं होना, पार्लियामेंट असली हक में लोगों के साथ चलना है। आप जो पार्लियामेंट का जो डिबेट है मुनीपुर का, सब लोग बोलता है जितना हमारा सलाह है वो बोलता है सलाह वह हमारा मुद्दे की बात ही नहीं हुआ है। तो रियलिटी मैं इसलिए बोला हूँ वहाँ मोदी वहाँ राहुल वहाँ एनडीए इंडिया बोलने से अच्छा अगर रोजगार सब लोग चिल्लाता।